भागलपुर के समाहरणालय परिसर में मिनी सचिवालय भवन बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी बहाल की जाएगी। तकरीबन 17 करोड़ की लागत से 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। एक ही छत के नीचे जिलाधिकारी कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय से लेकर सारे विभागों के कार्यालय बनेंगे। भवन निर्माण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवकिशोर चौधरी ने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय के आसपास अनुमानित स्थल का निरीक्षण किया। 100 साल तक टिके रहने वाला यह भवन बनेगा। इससे दूर दराज से गांव से आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्हें धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। इस बिल्डिंग का निर्माण एजेंसी के माध्यम से भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल भागलपुर कराएगा। इसको लेकर जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट तैयार की जाएगी। कलेक्ट्रेट की 5 मंजिला बिल्डिंग बननी है, जिसको लेकर के स्थल चयन को देखते हुए मैं जीडीसी साहब और एसडीओ साहब और अपनी टीम के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण में हमने देखा है कि किसी अन्य जगह पे शिफ्ट करने से हमारा क्या कलेक्ट्रेट का लुक बेहतर हो सकता है। इसी संबंध में हमने बिल्डिंग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि आप अन्य स्थलों का भी आप डायमेंशन को चेक कीजिए, ताकि कलेक्ट्रेट जो हम कम से कम 100 साल के लिए बना रहे हैं वो बेहतर प्लेस पे बने, आम लोगों को भी सुविधा हो, साथ ही एक ही छत के तले सभी विभाग के अधिकारी बैठ सके और बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करके कार्य कर सके। अगर सर भवन का निर्माण होता है तो कितने की लागत से भवन बनाई जाएगी? उसके संबंध में आपको बाद में 70 करोड़ की लागत से 17 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा। पुलिसिया कार्यशैली पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब उत्पाद विभाग के अधीनस्थ पुलिस व उत्पाद विभाग द्वारा पकड़े गए शराबी का नजारा देखिए। दरअसल उत्पाद विभाग ने 4 शराबी को पकड़ उसे व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए एक सिपाही के सहारे भेजा। कचहरी चौक के समीप उत्पाद विभाग की गाड़ी 20 सड़क पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद सभी गिरफ्तार लोगों को गाड़ी से उतारा गया और चारों से वाहन में धक्का दिलवाया गया। अब जरा सोचिए, शराबबंदी वाले बिहार में शराबियों को पकड़ने के लिए तत्पर, उत्पाद विभाग के वाहन में तेल खत्म हो जाता है। चालक ने कहा कि गाड़ी में तेल खत्म हो गया है, कैदी को लेकर जा रहे थे, गाड़ी को धक्का नहीं दिया गया है। किसको लेकर आए थे? उत्पाद विभाग से लेकर आ रहे थे कचहरी। किसको लेकर आ रहे? कैदी को लेकर आ रहे। कैदी को लेकर, तो क्या हुआ रास्ते में? अभी तुरंत तेल खत्म हो चुकी है। तेल खत्म हो गया, तो फिर कैसे साइड किए? साइड तो हो गया, पीछे निकला। कैदी लोग धक्का दिया था, आपने तो अभी ससरा था गड़ा से देखे की है। कैदी लोग धक्का दिया, आप सब देखे होंगे। नहीं, कैदी धक्का नहीं दिया। तो अभी का कोर्ट में लाया कैदी को? हाँ, खराब हो गई है गाड़ी। गाड़ी ने तेल खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? सावन कुमार। मद निषेध से लाए थे कैदी को? ना, उत्पाद विभाग से। उत्पाद विभाग से दारू पिया हुआ था? हाँ, कल पकड़ाया था। खत्म हुआ था? कैसे तेल खत्म हो गया? कैसे था? हम बता देंगे का? तो कौन बताएगा? गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो कैसे कैसे हटाए? ड्राइवर बताएगा हटाए कैसे? कैदी से धक्का दिलवा के? इसके बारे में अभी संज्ञान में आपके माध्यम से हमारे पास आया है, मामला संज्ञान में आया है और इसकी हम जांच करवा देते हैं। निरीक्षक मद निषेध को मैंने बोला भी है कि जांच करके अविलंब हमें बताएं कि किस वजह से ऐसा हुआ है। अगर गाड़ी वाले की वजह से हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, गाड़ी हम हटाएंगे, और अगर कोई पदाधिकारी इसमें दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई के लिए मैं अनुशंसा करूँगा मुख्यालय से। त्रेता युग का अंग जनपद यानी आज का भागलपुर प्रभु श्री राम की मौसा का घर है। ऐसे में भागलपुर वासियों को प्रभु श्री राम के प्रति अधिक लगाव है। प्रभु श्री राम के मौसी के घर भागलपुर से काफी संख्या में राम के भक्त आस्था स्पेशल ट्रेन से देर रात प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर जय श्री राम के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालु अपने साथ प्रभु श्री राम के लिए भागलपुर का कतरनी चूड़ा, चावल और सिल्क से बने आकर्षक परिधान लेकर अयोध्या जा रहे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में सभी श्रद्धालु एकजुट हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर राम भक्तों की आरती उतारी गई, तिलक लगाया गया और पुष्प की वर्षा की गई। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि राम जी के मौसी के घर से यहाँ के जो राम प्रेमी है, राम जी में जिनकी अपार श्रद्धा है, वो सब लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद राम लला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और भारतीय रेलवे ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और जो उनका यह आध्यात्मिक जो यात्रा है, अपने राम लला से मिलने की यात्रा को रेलवे ने बहुत ही सुगम बना दिया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे डिपार्टमेंट के सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत मैं उन्हें बधाई देती हूँ। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक यात्रा है, भक्त का अपने आराध्य से मिलन की यात्रा है और इसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के लोग जा रहे हैं।
कितने की संख्या में श्रद्धालु है? लगभग 1200 की संख्या है, विश्व हिंदू परिषद के 425 की लगभग संख्या है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ प्रभु राम के दरबार? बस केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम नहीं है। भक्त जो है आराध्य से मिलने जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए, राम भक्त के लिए ये आस्था स्पेशल ट्रेन में रेलवे की तरफ से उत्कृष्ट, बेहतरीन से बेहतरीन सेवा सुविधाएं, हमारे हर एक कोच में सफाई वाले हैं, बेड रोल वाले हैं, डॉक्टर हैं, दवा के साथ हैं, RPF की सिक्योरिटी हैं, और सभी जो है एक बेहतर सुविधा देने के लिए उनके जो राम भक्त जा रहे हैं, यात्री के रूप में जा रहे हैं, तो उनकी कोई भी शिकायत हो उसमें वो तत्पर जो है उस शिकायत को पूरा करने के लिए, उनको सेवा देने के लिए, और उनका जो है ये यात्रा सुखमय हो, सहज हो और आरामदायक हो। और कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, इतना कि खुशी का ठिकाना नहीं है। और रेलवे विभाग की ओर से जो व्यवस्था किया गया है ये काफ़ी काबिले तारीफ है। नाश्ता मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, माला रुद्राक्ष का दिया जा रहा है, सारा व्यवस्था भोजन पानी का सब है। और हम अयोध्या 1 दिसंबर 1992 को ही पहुंच गए थे, जो प्रमाण मेरे पास है। मैं 6 दिसंबर को ध्वस्त करके स्पेशल ट्रेन से मुगलसराय तक हम लोग को भेजा गया था। भाजपा की 4 राज्य को सरकार को बर्खास्त करने के बाद नैनी जेल में भी हम 9 दिन रहे थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर चोरी की गई 36 मोबाइल व चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने 2 सेंधमार चोर को गिरफ्तार कर लिया। कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बीती रात लगभग 1 बजे मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर मोबाइल चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्ती दल द्वारा भाग रहे सेंधमारों का पीछा कर 2 सेंधमारों को गिरफ्तार किया गया। दोनों चोरों के पास से चोरी की गई कुल 36 मोबाइल, अन्य उपकरण एवं एक पिट्ठू बैग के अंदर सेंधमारी का एक लोहे का उपकरण बरामद किया गया। दोनों अभियुक्त के पास से एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तार युवक में विमल कुमार और जीतू कुमार है। कहलगांव थाना अंतर्गत आज रात एक मोबाइल की दुकान में सेंधमारी कर कुछ मोबाइल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया। मामला की सूचना मिलते ही गश्ती दल को त्वरित कार्रवाई हेतु बोला गया और गश्ती ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करते हुए सभी मोबाइल चोरी किए मोबाइल को सीज किया है और इसके साथ साथ उनके निशानदेही पर एक चोरी का बाइक भी सीज किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर की जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर स्थित यूको बैंक से रुपया निकालकर घर जा रहे एक बुजुर्ग की बाइक सवार झपटमारों ने रुपये से भरा थैला छीना और फरार हो गए। घटना शनिवार करीब 11 बजे दिन की है। तगेपुर निवासी 55 वर्षीय भोला यादव ने बैंक से 50,000 नगद निकाल कर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी भुराहा के निकट बिरजू चूड़ा मिल के समीप पीछे से एक बाइक पर सवार 2 युवक आया और हाथ से थैला छीन कर फरार हो गया। पीड़ित ने बताया कि थैले में 50,000 रुपये, पासबुक और आधार कार्ड था। साथ में उन्होंने बताया कि मैंने जमीन खरीदा था, पैसे निकाल कर जमीन वाले को देना था, इसलिए पैसा निकाल कर घर जा रहे थे। घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने जगदीशपुर थाना में आवेदन दिया है। सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस छानबीन में जुट गई। आसपास के CCTV का फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 युवक नजर आ रहा है। अब पुलिस युवक की पहचान में जुट गई है। इस मामले में जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शीघ्र ही बाइक सवार युवक की पहचान कर मामले का निष्पादन किया जाएगा। वहीं मौके पर विधि व्यवस्था DSP मंगलेश कुमार सिंह पहुंचे और मामले की छानबीन कर रहे हैं। बोलिए,
किधर से जा रहे हैं सर, उसके बाद उनसे मोटरसाइकिल आगे से स्टार्ट किया, पैसे झोले पे घिस लिया। कितना पैसा छीन लिया? 50,000। 50,000 आधार कार्ड, पासबुक बता। घर कहाँ हुआ? क्या नाम हुआ? भोला यादव। घर तकेपुर। किस चीज के पैसा लेके जा रहे थे आप? जमीन लिए थे वही पैसा के लिए? पैसा जमीन पूरे गए। आप भी निकल गए, ये भी निकल गया? घर चलो के लिए मोहदरी के लिए बापा अभी नहीं रिलो, ये तलक में फोन कर लेके बापा पैसा छीन ले तो मैं ग्रास फॉर्म नहीं चलिए बाबू। ठीक। बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को आज मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए मंत्रालय सौंपा गया। हम पार्टी के प्रधान संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा 2 मंत्री पद की मांग की गई थी, जिसको लेकर भागलपुर जिला जदयू के प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने सभी का ध्यान रखते हुए सभी को विभाग सौंप दिया है, आगे भी कई विभाग सौंपना है जो सौंप दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के द्वारा जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ऑफर दिए जाने को लेकर कहा, कांग्रेस पार्टी अब देश में बैसाखी के सहारे चल रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में सभी एकजुट है, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। देखिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम के पार्टी के नेता मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी साहब हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता यहाँ, जनता दल यूनाइटेड के हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गठबंधन जो हुआ है जिसमें जितने भी घटक दल हैं सबको सम्मान के साथ यहाँ मौका मिलेगा। और हमारे जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 18 वर्षों से बिहार राज्य में काम कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में सबों के साथ न्याय होगा, सबों को सम्मान मिलेगा और जिनका जितना हक होगा वो उनको निश्चित रूप से मिलेगा। आप देख रहे हैं पूर्व के दिनों हमारे नेता ने जो निर्णय कराया, जाति जनगणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जिनकी जितनी हिस्सेदारी थी उनको उतनी भागीदारी दे दी है, इसलिए कोई बेचैन नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो और किन्हीं को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में किसी प्रकार का बयान भी नहीं देना चाहिए। एनडीए गठबंधन के अंदर जितने भी घटक दल हैं और उनके नेता हैं उनको एकदम शांति सद्भाव के साथ रहना चाहिए। हमारे नेता सबका सम्मान करेंगे, हम लोग को पूरा विश्वास और भरोसा है। देखिए कांग्रेस पार्टी को तो अपने से अब स्वयं कुछ क्षमता रहा नहीं, न प्रधानमंत्री बनने का न राज्य में मुख्यमंत्री बनने का, तो वो इसी तरह स्वयंभू बन के ऑफर देते रहते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनते हैं। बनना है तो अपने बन के दिखा दे ना, देश का प्रधानमंत्री बन जाए, राज्य में मुख्यमंत्री बने। लंबे दिनों से बिहार में बैसाखी पे वो चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और तमाम पार्टियों के, बैसाखी से तो वो सत्ता में आते रहे हैं और अपना सपना देखते हैं और दूसरे को ऑफर करते हैं। ये बेवजह बेबुनियादी बात है, ये वही वाली बात है कि अपना पूरे ने दूसरे को बांटे वाला हूँ।